हेलो एंड वेलकम बैक टू फूड फिलिक। आज हम बनाने जा रहे हैं एक और स्ट्रीट स्टाइल नूडल फ्रैंक की रेसिपी, तो चलिए इसे बनाते हैं। सबसे पहले मैं एक बड़े से वेसल में 2 कप यहाँ पे मैदा ले रही हूँ। फिर हम इसमें डालेंगे सॉल्ट टू टेस्ट, 1 बड़ा चम्मच यहाँ पे मैं तेल भी यूज कर रही हूँ, और इसे अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक डो बना लेंगे। और हमें यहाँ पे फ्रैंकी के लिए सॉफ्ट डो बनाना है। और जैसे ही डो तैयार हो जाए, इसे हम गीले कपड़े से ढक के लगभग 15 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे। यहाँ पे फ्रैंकी मसाला बनाने के लिए 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला, 1 बड़ा चम्मच इसमें डालेंगे जीरा पाउडर, 1 बड़ा चम्मच चाट मसाला और 1 बड़ा चम्मच आमचूर पाउडर। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा काला नमक और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके तैयार कर लेंगे। आप इसे कभी भी फ्रैंकी बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे हमारा फ्रैंकी मसाला तैयार है। यहाँ पे नूडल्स बनाने के लिए गरम तेल में मैं डाल दे रही हूँ 1 बड़ा चम्मच अदरक और लहसुन। इन्हें अच्छी तरीके से ऑयल में भून लेंगे। फिर यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1/2 कप प्याज। इसे 1 मिनट तक लगभग हल्का सा ब्राउन होने तक कुक करेंगे। फिर आप इसमें डालें अपने मनपसंद की सब्जियां। मैं यहाँ पे 1/2 कप बेबी कॉर्न डाल रही हूँ, उसके साथ साथ 1/2 कप शिमला मिर्च और 1/2 कप फ्रेंच बीन्स। इन सारी सब्जियों को हाई फ्लेम पे हमें 1 मिनट के लिए बस सौते करना है। सब्जियों को ज्यादा ओवर कुक ना करें। और अब बस यहाँ पे हमें डालना है सॉस। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1.5 बड़े चम्मच शेजवान सॉस, क्योंकि हम शेजवान नूडल्स बना रहे हैं। इसमें डालेंगे नमक और इन सारी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब फाइनली इसमें हम डालेंगे नूडल्स। तो मैं यहाँ पे 1 बड़ा कप नूडल यूज कर रही हूँ, जिन्हें मैंने बॉईल कर लिया था ऑलरेडी। इन्हें भी सॉस के साथ अच्छी तरीके से हाई फ्लेम पे मिक्स कर लेंगे। और बस यहाँ पे हमारा शेजवान नूडल्स तैयार है। अब हम गैस को करेंगे बंद। फिर डो के थोड़े थोड़े पोर्शन लेके हम रोटियां बना लेंगे। अच्छी तरीके से मैदे में रोल कर लें। और अब बस इनकी रोटियां बनानी है हमें। जब रोटियां तैयार हो जाएं, तो इन्हें हम हल्का सा सेक लेंगे। और सेकने के लिए मैं इसे गरम तवे पे सिर्फ 1/2 कुक करूंगी, मतलब 2-2 सेकंड हम दोनों तरफ से इसे कुक कर लेंगे। जब तक इस तरीके से दोनों तरफ हल्के से स्पॉट्स ना आ जाए, और इसे अब हम रख लेंगे साइड में। इसी तरीके से हम हाफ कुक करके सारी रोटियां रख लेंगे। और बस इस तरीके से आप बना के रख लें जितनी चाहे उतनी रोटियां। और जब फ्रैंकी बनाना हो तो इन्हें पूरी तरीके से हम कुक करेंगे। कुक करते वक्त मैं यहाँ पे थोड़ा सा बटर भी अप्लाई कर रही हूँ, और इन्हें हल्का सा क्रिस्पी होने तक हम दोनों तरफ से कुक करेंगे। जैसे ही ये दोनों तरफ से कुक हो जाए, हम बना लेंगे इनकी फ्रैंकी। आप चाहें तो मैदे की जगह पे आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस पे डालेंगे फ्रैंकी मसाला अच्छी तरीके से, फिर हम इस पे अप्लाई करेंगे शेजवान सॉस। आप शेजवान सॉस आपके हिसाब से कम या ज्यादा यूज कर सकते हैं, जितना आपको पसंद हो।
फाइनली इस पे हम डाल देंगे हमारे शेजवान नूडल्स। शेजवान नूडल्स डालने के बाद हम डाल देंगे विनेगर। यहाँ पे मैं चिली विनेगर यूज कर रही हूँ जिससे खट्टा और तीखे का फ्लेवर आएगा। और अब इसके टाइट रोल्स बना लेंगे हम। बनाने के बाद मैं इसे एल्यूमिनियम फॉइल से कवर कर ले रही हूँ। इस तरीके से हमें फोल्ड करना है। और बस नीचे से भी मैं इसे सील कर दे रही हूँ और यहाँ पे हमारी नूडल्स फ्रैंकी तैयार है। बस इसी तरीके से हमें बाकी फ्रैंकी भी तैयार कर लेनी है। इसी तरीके से दूसरी रोटियों को भी हम कुक करेंगे हल्का सा बटर लगाते हुए। यहाँ पे बस उसी तरीके से हम दूसरी फ्रैंकी भी तैयार कर ले रहे हैं। और बस इसी तरीके से हमारी स्ट्रीट स्टाइल शेजवान नूडल्स फ्रैंकी तैयार है। आप इसे जरूर ट्राई करें। डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में।